ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज है संडे और आज हम फिर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं लाइब्रेरी पढ़ाई करने। बहुत गर्मी है लेकिन पढ़ाई तो करनी है क्योंकि कल है एग्जाम और ये हमारे लाइफ का मतलब ये लास्ट एग्जाम होगा ये लास्ट थ्योरी एग्जाम होगा और बस बहुत एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि कॉलेज खत्म हो रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड पेपर बहुत ईजी आएगा इंशाल्लाह मतलब ईजी सब्जेक्ट है हो जाएगा बट हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी एग्जाम देने के लिए। तो लेट्स गो वहाँ पे भी कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तभी वहीं चलते हैं हम मिलते हैं बाय। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ जामिया में पार्किंग में और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था तो वी जस्ट प्लान्ड मैं और मेरी सिस्टर की हमें कुछ और बकरीद के लिए भी कुछ सामान लेना था और टाइम बिल्कुल नहीं बिकॉज नूरीन पहले निकल जाएगी घर के लिए होम टाउन के लिए और मैं रुकूंगी बिकॉज ऑफ सम ऑफ माय कॉलेज का कुछ काम है आफ्टर एग्जाम्स भी और कुछ बहुत मीटिंग्स है कुछ बहुत पेंडिंग काम है वो सब भी निपटाना है मुझे। तो बस वो सब काम करने के लिए रुक जाऊंगी तो टाइम भी नहीं है और इंशाल्लाह परसों 7th को वो भी आ रही है समरा भी आ रही है असद आ रहा है सब लोग आ रहे हैं तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है एंड जस्ट वी आर गोइंग फॉर टू आहूजाज गारमेंट। जैसे आपको पता है कि हमेशा से मैं वहीं से मटेरियल लेती हूँ तो मैं वहीं जा रही हूँ वहीं जाके हम लेंगे एंड लेट्स सी क्या डिज़ाइन कराते हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बाई माई फेयरवेल साड़ी। तो लेट्स सी क्या क्या मिलता है क्या होता है सब कुछ मुझे अभी कुछ आइडिया भी नहीं है बट एक्साइटमेंट है यार ऑब्वियसली क्योंकि फेयरवेल पे बैचलर्स का फेयरवेल हुआ नहीं था तो मास्टर्स के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। तो लेट्स गो एंड गाइस स्कूटी से आने की सबसे बड़ी जो घाटा हमारा होता है वो होता है हमारा एंड गाइस स्कूटी से आने का सबसे बड़ा घाटा होता है रास्ते पर पेट्रोल जो है ना फूकता रहता है। आज तो संडे है तो हमारा फायदा हो गया ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है लेकिन हम पेट्रोल भरवाने के लिए मैं और मेरी यहाँ पर आए हैं। सो गाइज सबसे पहले तो हम आए ऊपर जो थर्ड फ्लोर वाले सेक्शन में साड़ियाँ थी यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सबसे अच्छी बात थी कि प्राइस भी अच्छा था बट ना अनफॉर्चुनेटली मुझे कलर समझ नहीं आ रहा था तो फिर हम आ गए इनके क्लोथिंग सेक्शन में जहाँ पे इनके पास मटेरियल्स होते हैं और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कलर के साटन थे तो मैं उसे लगा लगा के चेक कर रही थी कौन सा ये पिंक कलर हॉट पिंक कलर बहुत चला हुआ ना तो फिर मैं ये भी लगा रही थी फिर मैंने एक ये कलर भी देखा पीच कलर और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो भैया ने बोला कि एक काम करो पहले जाके ब्लाउज़ का कपड़ा देखो और फिर हमने इसमें ना थोड़े से जैसे हॉट पिंक कलर का मेरे को शर्ट वगैरह सिलवाना है थोड़ा लॉन्ग शर्ट में तो हमने इसमें से कटवा लिया और साथ में एक और कलर कटवाया दिस कलर ये भी बहुत ही सुंदर था थोड़ा ब्राउनिश शेड आ रहा था इंशाल्लाह जब ये सिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अब हम चले गए इनके सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे इनके पास सारे ब्लाउज़ के कपड़े और अच्छा मटेरियल मतलब सिंपल नहीं कुछ डिज़ाइनर मटेरियल्स थे। यहाँ पे ब्लाउज़ जो था वो भी हमने देखा और भाई साहब ब्लाउज़ का सेक्शन इतना महंगा था पूछो मत। एंड गाइस अपडेट ऐसा है कि ब्लाउज इज़ सो कॉस्टली हमने मतलब ऐसा कुछ बजट सोचा था कि सस्ते से सस्ता निपटाना है लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि भाई वाकई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है सारी चीज़ें। लेट्स सी क्या होता है क्या ले रहे हैं हम लोग। फाइनली जो भैया थे वहाँ पे उन्होंने मुझे पर्पल कलर बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा और आप जाके इसके लिए लेने जाओ नीचे मटेरियल लेकिन नीचे आने के बाद पर्पल कलर का कोई शेड मेरे में अच्छा नहीं लग रहा था फिर मैंने इसको कैंसिल आउट किया और फाइनली एक शेड पसंद किया दिस कलर। दिस इज़ नीदर अ ब्राउन कलर नीदर अ ऑरेंज कलर नीदर अ गोल्डन कलर इट्स अ वेरी न्यूट्रल कलर जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा और फिर इसके साथ मैंने ये लिया उसका ब्लाउज जाके विच वॉज फॉर 350 rupees मीटर्स और फिर हमने इसकी फाइनली बिलिंग वगैरह करा दी जो मैंने दो शर्ट के लिए लिए थे कपड़े और ये ब्लाउज़ का हो गया। नूरीन ने भी कुछ कपड़े लिए थे वो लेके हम पहुंच गए खाने के लिए। तो खाने के लिए यहाँ का सबसे फेमस जो गोविंदपुरी में मिलता है वो है गोपाल छप्पन के छोले भटूरे वहाँ का आइसक्रीम वहाँ के रसगुल्ले मतलब सब अच्छा है। तो गोपाल छप्पन पहुँच गया और यहाँ पे आने के बाद हमें ना कुछ और क्लोथ के शॉप्स दिखी हमने वहाँ पे भी चेकआउट किया जहाँ से मैंने एक दो कुर्तीज़ खरीदी जिसको मैं शायद पहन चुकी हूँ आप लोगों ने देखा नहीं है। तो ये गोपाल छप्पन पे हम आ गए हैं यहाँ पे मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो भी शूट कर लूँ बिकॉज इसका बहुत टाइम से मेरा प्लान था कि यहाँ जाके इसका छोले भटूरे
बहुत ही अमेजिंग होता है भाई साहब। मतलब जब भी आप अगर यहाँ आ रहे हो तो ज़रूर टेस्ट करो। मैंने इसकी रील इंस्टा पे अपलोड भी कर दी है। गोपाल छप्पन इज़ बेस्ट फॉर देयर टेस्टी छोले भटूरे। इनका मेन्यू अच्छा सा है, बहुत ही सस्ता, मतलब सस्ता इज़ नॉट कॉल्ड सस्ता, ऐसे नॉट 20-40 रुपए का, ऐसा नहीं है। हमने भी ऑर्डर किया और फाइनली हमारे छोले भटूरे है वो आ गया। 110 रुपए का छोले भटूरे लिया, लेकिन खाने के बाद जो मज़ा आया भाई पूछो मत, वो तो 100+ वाला। नूरिन को भी टेस्ट कराया, इन्जॉय किया। अब मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँ कि आप अगर गोविंदपुरी जा रहे हो तो गोपाल छप्पन के छोले भटूरे खाना मत भूलना। और फिलहाल तो मैं इतनी खुश थी क्योंकि मेरी साड़ी का जो थी वो मिल गई थी और मैं एक्साइटेड मोड में थी, तो मैंने कहा नहीं भाई छोले भटूरे तो बनता है। और उसके बाद डायरेक्ट मैं पहुंच गई अपने टेलर वाले भैया के पास। और भाई साहब यहाँ पे टेलर वाले भैया को सबसे पहले तो पटाना पड़ा, भाई 2 दिन है बस जल्दी से सिल दो क्योंकि टाइम नहीं है, और साड़ी ही पहननी है। पहले ये जो साड़ी है वो मेरी फूफी सिलने वाली, अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं टेलर वाले भैया से सिलवा लेते, बस ये हमारे यहाँ फिटिंग्स ले रहे हैं सब कुछ और बस हम जाएँ। डन विद दिस, भैया को दे दिया ब्लाउज के लिए एंड नाउ वी आर गोइंग टू। लेकिन अभी भी मेरा वो जो फॉल लगाना है ना वो नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। गर्मी बहुत है, नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप देखो नेक्स्ट लेवल धूप है। अभी मेरी टेंशन भी हो रही है, पता नहीं वो इतना मोटा मैं कैसे पहनूँगी, वो बोल रहे बहुत मोटा है, गर्मी तो लगी है। ऐसा है एक्चुअली मुझे सिलवाने का मन नहीं था, मैं सोचा कि ये वो गल्लो पहन के इसका मटेरियल भी आपको दिखाऊंगा। बहुत मतलब अभी मेरे एक हाथ से करना पड़ रहा है क्योंकि बहन है। वाओ यार नाइस मटेरियल इस, ये था बेसिकली, ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसमें अच्छे से साड़ी की, तो मैंने ये मंगाया है, तभी पहन के देखते हैं कैसा आ रहा है। एंड गाइस फाइनली जो है वो साड़ी में फॉल लग के भी आ चुका है। और जो मैं बता रही थी आपसे कि मेरा जो टोटल खर्च आया है मेरे साड़ी को बनाने में, बेसिकली जो मेरा साड़ी है, साड़ी का कपड़ा मुझे ऐसे 5 मीटर्स लेना था और इट वाज अराउंड 66 रुपीज़ या 60 रुपीज़ मीटर्स था, तो 16 × 5 क्या हुआ 300 रुपये। और उसके बाद मैंने जो ब्लाउज़ लिया था वो 1.5 मीटर मुझे फुल स्लीव सिलवानी थी, तो वो मेरा अराउंड पड़ा था 500 रुपीज़ का पड़ा था। और साथ में मैंने इसका हिजाब लिया था, इट वॉज फॉर 200 रुपीज़ मैचिंग। और फिर मैंने इसका जो फॉल लगवाया था वो लगा था 200 का, और जो ब्लाउज सिला था वो था 300 का। टोटल मिला के अराउंड मेरा अराउंड 1300 से लेकर 1500 रुपये मेरे इसमें खर्च हुआ था। और भाई बहुत ही मज़ा आ गया पहनने के बाद, जो लुक आ रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और फाइनली जो साड़ी है वो मैंने पहन ली, थोड़ी बहुत मैं हेल्प लेनी पड़ी आंटी की, समरा की, सबकी, और बस तैयार हो गई हूँ मैं। अब मेरी बहन जाएगी मेरी फोटोशूट करने के लिए, तो बस आप फोटोशूट इन्जॉय कीजिए। जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। गाइस कैसा लगा आपको मेरा सारी, कैसे कैसे मैंने इसकी सारी तैयारी की थी, आपको कैसा लगा? और बस फेयरवेल का व्लॉग जल्दी ही आने वाला है, नेक्स्ट व्लॉग उसी का होगा। तो मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए।